अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस समय हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हरियाणा में लोगों को अपनी मौजूदा सरकार से काफी उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि जब ये सरकार आई थी तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ आम आदमी की बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं। लोगों का मत है कि भ्रष्टाचार में भी काफी हद तक लगाम लगी है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। इस बजट में भी लोग चुनावी साल होने के कारण काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। आम आदमी, युवा वर्ग, उद्यमी, बुद्धिजीवी वर्ग व महिलाएं सभी हरियाणा सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट से है। जो लोग इसके बारे में बात की गई तो लोगों की भावनाएं इस प्रकार से सामने आई। सभी सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में कुछ न कुछ प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी, लेकिन पानीपत में बिजनेस कर रही महिलाओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र की महिलाओं को सरकार द्वारा कुछ अलग सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि महिलाएं अन्य क्षेत्रों में साथ साथ बिजनेस को भी अपने आप को स्थापित कर सके और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सके। टैक्स की छूट, ब्याज की छूट और बिजनेस में अतिरिक्त सुविधा देकर महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि पुरुषों की बराबरी कर सके। साथ में सुरक्षा बजट बढ़ोतरी की मांग महिलाओं ने की ताकि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कामकाज से जुड़ी दूसरी महिला यह भी मानती है कि जो शिक्षा मिल रही है वे ज्यादा रोजगार पूरक नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए ताकि पढ़ाई के साथ साथ हम खुद को अपने काम के लिए तैयार कर सके। ज्यादा से ज्यादा बजट बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए रखा जाए। पेंशन की व्यवस्था को अच्छी की जानी चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, विकास के लिए एक मजबूत आधारभूत उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षित व जागरूक महिलाओं की मांग की कि बच्चों को एजुकेशन के लिए दूर भेजा जाता है तो उन्हें 16 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए ताकि अपने वाहन से ट्यूशन व कोचिंग पर जा सके। सरकार अपनी तरफ से सस्ते कोचिंग सेंटरों का बजट भी प्रावधान करे ताकि आम बच्चे कोचिंग लेकर आरक्षित बच्चों की तरह सुविधा प्राप्त कर सके। जब बुद्धिजीवी वर्ग से बातचीत की गई तो उन्होंने सरकार से क्या उम्मीद है, उन्होंने बताया कि बजट से इस तरह के प्रावधान भी होने चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र और हेल्थ के क्षेत्र और ज्यादा बजट की जरूरत है ताकि उन्हें सरकार स्कूल में सरकारी कॉलेजों में इस तरह की शिक्षा मिल सके। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि खासकर हेल्थ शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सरकार से निजी क्षेत्र जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ में जब इलाज के लिए सरकारी संस्थान में जाए तो उनकी बात सुनी जाए, उन्हें सम्मान भी मिले। सरकार ने कोई मेल और फीमेल के बीच में कभी डिफरेंशिएशन मैंने कहीं नहीं देखा है किसी भी पॉलिसीज में, सारी पॉलिसीज उनकी सेम है। मैं एक बहुत ही छोटी सी बिजनेस वूमेन हूँ तो मैंने कभी, मुझे ऐसी सुविधा मुझे कभी प्राप्त नहीं हुई या कभी सुनने में नहीं आई है कि मेरे लिए कोई स्पेशल सुविधा मुझे दी जाएगी या फिर एक ज्यादा लोन मिलेगा मुझे कि बिजनेस करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए या सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिलेगी। जो है सबके लिए सेम, सब बराबर है। बजट में आप क्या चाहते हो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए जो महिला है उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज हो आगे बढ़ सके? वही मेरा कहना ये है कि उनके लिए कुछ, अगर वो चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़ के आगे आए तो उनको थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी चाहिए। और एजुकेशन में तो सरकार फिर भी करती है कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन थोड़ी सस्ती हो गई, लेकिन आगे जाके बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए कुछ ऐसा कुछ खास हमें दिखता नहीं है कि मार्केट में, जो कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ होता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऐसा कोई गवर्नमेंट कुछ बॉडीज है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपके मतलब कोर्ट है और यहाँ पे टोल पे हम लेडीज को बैठे हुए देखते हैं, और क्या देखते हैं? ना तो यहाँ पे टैक्सीज चलाते हुए देखते हैं हम लेडीज को, या ना तो हम यहाँ पे मोबाइल मतलब कि किसी भी टाइप से, मतलब किसी भी अच्छे टाइप से जहाँ पे रिस्पेक्टफुल और एक सिक्योरिटी भी मिले, क्योंकि बीइंग इन हरियाणा यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो दिखते तो देखिए आज भी थी, कल भी रहेंगी लगता, मतलब सरकार कुछ कर सके तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पढ़ाई की जगह, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उनको जैसे डिजाइनिंग फील्ड्स में और प्रमोट करना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते तो दूसरी चीज कर लो। तो सरकार को बच्चों को बताना चाहिए कि और भी चीजें हैं पढ़ाई से हटके ताकि आप शुरुआत से स्टार्ट कर सको, क्योंकि अगर हम इसमें बेसिकली देखें तो ये नहीं है कि हमें पढ़ाई की कोई इसमें जरूरत तो आती नहीं है, ये एक पढ़ाई से अलग ही है बिल्कुल हटके। बजट का अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो तो एजुकेशन सिस्टम में बेसिक वैल्यूज होने जरूरी है जो कि नहीं है। नॉलेज है बुक्स की, हिस्ट्री की नॉलेज है, पर बेसिक वैल्यू जो उन्हें जरूरत है उसकी नहीं, वो दैट शुड बी एडेड टू एजुकेशन। कुछ ऐसा करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, कुछ ऐसा प्रोविजन रखना चाहिए कि ट्रैफिक के अंदर कोई कंट्रोल हो। इतने एक्सीडेंट, इतने हैफाजर्ड ट्रैफिक पानीपत के अंदर चल रहे हैं। ड्राइविंग एक कार को चलाना एक बहुत ही मुश्किल हो गया है, स्पेशली ऑफ द ओल्ड पर्सन।
उसके अंदर ये है कि इतने स्कूटर रिक्शा जो मैं देखता हूँ जिनके अंदर 10% 20% ऑक्यूपेंसी है वो चल रहे हैं कॉजिंग ट्रैफिक हैजर्ड। यदि जैसा पहले एक बार किया अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट नंबर करा दिए जाए मुसाफिर को कोई और आम लोगों के लिए सरकार मेरे हिसाब से काफी कुछ कर रही है, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। जो कर रही है उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। सिर्फ एक चीज थोड़ी सी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी जाए जिससे यंग आदमी जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं यदि उनको जॉब मिल जाएगी तो वो क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए मैं सरकार के जितने भी पुराने प्रोविजन जितने भी उन्होंने पुराने काम किए हैं अगर उन्हीं कामों को जारी रखेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जो उन्होंने नौकरियों को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिनको डीसी रेट पर या सरकार वैसे नौकरी देती है ये कर्मचारी हड़ताल पर ना जाएं और आम आदमी को जो दिक्कत होती है उनसे उसका ख्याल रखा जाए साथ में, क्योंकि जो अराजकता इनकी हड़तालों से होती है इसका कोई ना कोई तरीका रहना चाहिए। एक जो भी तरीका किसी भी नौकरी के देने के लिए सरकार अपनाती है वो इतना फुल प्रूफ हो कि वो कोर्ट में अगले दिन उसका कोई भी वो ना लिया जाए। पहले उसमें से बहुत भ्रष्टाचार बहुत कम हो चुका है और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो बंदों की आस्था एक सरकार के अंदर एक सरकार की जो इंस्टीट्यूशन है उसमें और ज्यादा बढ़ेगी। को भत्ता भी नहीं मिल पाया ना, हरियाणा सरकार ने बेरोजगारों को भी अब भत्ता दिया है, कौशल विकास योजना के तहत कौशल विकास योजना भी चल रही है और एक महिला होने के नाते महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते जो मेरी आज हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना रहेगी वो ये प्रार्थना रहेगी कि आज हमारा जितना भी बजट है उसका कुछ और परसेंट अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में अगर हम खर्चा कर सकते हैं तो वो मेरी एक प्रार्थना रहेगी इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम खर्चा करेंगे और ज्यादा तो हमारी बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी इस कॉम्पिटिशन को दे सके कि वो डॉक्टर बन सके इंजीनियर बन सके सीए बन सके तो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और बजट बढ़ाना चाहिए और हेल्थ के सेक्टर में भी बजट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आयुष्मान भारत के तहत हम 5 लाख जो हैं हर परिवार को हम 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए पर साल दे पाए हैं आयुष्मान भारत के तहत, लेकिन फिर भी जो भी सरकारी हॉस्पिटल है हमारे उनको हम बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल के तर्ज पर हम हर सरकारी हॉस्पिटल को बींगे डॉक्टर मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि उनको हम और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा बनाने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमें हल्का सा बजट हेल्थ के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी हमें बढ़ाना चाहिए। ते हम लोग लेकिन वहाँ परसों में लंबी लंबी लाइनें डॉक्टरों की लंबी लंबी लाइनें होती हैं, अगर जिसका इमरजेंसी केस होता है उसको हाल ही देखते नहीं है लोग, परेशानी होती है। सुविधा के लिए इतनी देर की सरकार ने लेकिन वहाँ हमें कोई सुविधा नहीं मिलती, दुनिया भर के निकाल देते हैं ये अब ये पर्चे लाओ अब ये लाओ अब वो ला, दुनिया भर की बातें बता देते हैं तो हम तो वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं। हम गरीब लोग हैं, घर भी चलाना पड़ता है, हमें पता है हम किस किस तरह यहाँ पे प्राइवेटों में आकर के हम अपना इलाज कराते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए बजट में? सरकार को ये करना चाहिए कि कम से कम सुविधा दे, तो ये जितनी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं लोग परेशान करते हैं ये परेशान ना करें, तो सरकार सुविधा दे रही है वो उसको सीधी डायरेक्ट सुविधा उनको मिले ताकि उनको इसका फायदा मिले। मैं जानती हूँ कि सरकार सुविधा दे रही है लेकिन क्या है कि वहाँ जाकर के इतनी परेशानियां पैदा कर देते हैं वहाँ के लोग कि आखिर इंसान को लौट के आना पड़ता है, कुछ नहीं हो पाता वहाँ। क्या नाम? यही है सर कि जैसे जो कोई पेशेंट जाता है तो उसको वो क्या करते हैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पहले तो बस हाँ इग्नोर करते हैं। गवर्नमेंट में और प्राइवेट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो क्या करते हैं प्राइवेट में तो जाते ही देखेंगे पेशेंट को और वहाँ पे क्या करते हैं फिर इसीलिए इस वजह से फिर लोगों का वहाँ गवर्नमेंट से हॉस्पिटल से भरोसा उठ रहा है, वो सोच रहे हैं कि हमारी जब यहाँ पे ये हमारी सुनते ही नहीं है तो हम क्यों जाएं, इसी वजह से। और यही चाहते हैं कि मेन बात है इम्पोर्टेंस की, मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और सरकार से क्या मांग करते हो? मांग
कम करें महंगाई को, और जो जैसे जो जनरल कैटेगरी है उनको तो बिल्कुल जो भी नहीं है, एससी बीसी है उनको इतनी मान्यता दे रखी है, जनरल की कोई सुनाई नहीं है, चाहे उनके मार्क्स जितने मांगे उससे भी ज्यादा है लेकिन फिर भी उनको कोई जॉब वगैरह नहीं दे रहे हैं। क्या है आज एससी बीसी है जो वो ज्यादा ऊपर उठते जा रहे हैं, जनरल को फिर कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है इस वजह से, उनको भी तो टेंशन देनी चाहिए ना। सिर्फ हमारे जनरल की वजह से हमारे नाम के आगे जनरल लगा देते हैं, जिस कैटेगरी के आगे और कोई होना चाहिए लड़कियों के लिए है, जैसे जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उनको आगे पढ़ाई में दें, थोड़ा उनको बेनिफिट दें। रोड भी बनने चाहिए, जो भी मतलब ये गाड़ी मतलब जो भी है कम से कम हो, सब्जी रेट है ये सब हर चीज़ कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लोगों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए भाई, जो भी है मतलब कि गाड़ी है मोटर है जो भी है मतलब गरीब आदमी कम से कम जैसे भी जैसे होए कम से कम गुजार करने के लिए तो होना ही चाहिए, मतलब कि बजट होना चाहिए लोगों का, मतलब कि जितना कमाते हैं इतना कहाँ जाता है, ये थोड़ा ही तो होता है। मतलब ये हरियाणा सरकार का ये लास्ट बजट है, इस बजट के अनुसार जो है बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, और हरियाणा सरकार ने जैसा अब तक काम किया है तो लोग संतुष्ट भी हैं, लेकिन लास्ट बजट के अनुसार जो है एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो एक उस हिसाब से एक तो रोजगार का कोई ना कोई इस प्रकार से जो है ना बजट मोटा बजट बेरोजगार के रोजगार के लिए खर्च करना चाहिए सरकार को, ताकि जो नई पीढ़ी है वो जो वोटर है वो तय दिल से इनको वोट दें। नंबर दो, आजकल जो कई सरकार ने काफी घोषणाएं की हुई हैं उन घोषणाओं के अनुसार आज तक वो शुरू नहीं हुई योजनाएं, तो उन योजनाओं के लिए मोटा बजट निकालना चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, जैसे कि विदुर पेंशन के लिए सरकार ने वो दिया थी घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, तो उस हिसाब से अब तक जो है ना वो पेंशन शुरू नहीं हुई, तो और भी विकास कार्यों के लिए बजट खर्च करना चाहिए सरकार को, और ताकि जो है सरकार जो है आने वाले समय में दोबारा रिन्यू हो जाए। और बार भी हमारी बिजली बहुत महंगी है, जान लेडीज काम करे वो बिजली सस्ती होनी चाहिए, और घर में गैस वगैरह बहुत महंगी आ रही है, उसकी सब्सिडी देते हैं लेकिन एक बार तो पहले इकट्ठा निकालना पड़ता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सामान सस्ता होना चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा है, और वो मतलब लाइसेंस 16 साल में ही बन जाना चाहिए, क्योंकि दिक्कत होती है बच्चों ने ट्यूशन जाना होता है, कोचिंग सेंटर होने चाहिए ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी स्टडी सस्ती होनी चाहिए क्योंकि बॉयज की तो उतनी महंगी है, दोनों को बराबर वो मिलना चाहिए। पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।